पिछले वीडियो में हमने बताया कि हर व्यापारी को अपना व अपने व्यापार का बीमा क्यों कराना चाहिए। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो का लिंक पा सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि व्यवसाय का बीमा कराएं और चिंता मुक्त हो जाएं। क्यों कराना चाहिए आपको अपने व्यवसाय का इंश्योरेंस। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि छोटे व्यापारियों को किस तरह की बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए, जिसके आधार पर वो अपनी कंपनी, अपने व्यापार को सुरक्षित रख सकें। पहला होता है जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये एक बेसिक बीमा है जो छोटे बड़े सभी व्यापारियों के पास होना चाहिए। ये आपके बिजनेस को होने वाले छोटे नुकसान, जैसे आपके किसी कर्मचारी का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, प्रॉपर्टी का नुकसान, न्यायालय का खर्च जैसे हालतों के लिए सबसे अच्छा बीमा होता है। आप चाहें अपने घर से कोई बिजनेस चला रहे हैं या फिर कोई दुकान या स्टोर लेकर, आपके पास ये बीमा होना ही चाहिए। अब जानते हैं कि इसमें क्या शामिल होता है। इसमें आपके बिजनेस में होने वाली प्रॉपर्टी को नुकसान, किसी कर्मचारी को लगने वाली चोट या बीमारी, दवाइयों का खर्च से लेकर वकील की फीस आदि तक सब में ये मदद करता है। इसलिए अगर आप कोई छोटा काम कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। फिर दूसरा होता है प्रॉपर्टी डैमेज इंश्योरेंस। नाम के हिसाब से ये बीमा आपकी प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान को बचाने और उसकी भरपाई करने के लिए। मानो अगर आपने कोई स्टोर या दुकान में अपना कोई बिजनेस का सामान रखा है, लेकिन कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, शॉर्ट सर्किट लग जाए, आग लगने से आपके सामान को नुकसान पहुंच जाए, इससे आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और अगर ऐसे हालात में आपने अपनी प्रॉपर्टी का बीमा नहीं कराया हो तो नुकसान के कारण आपको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये बीमा कराना चाहिए। अब जानते हैं कि इसमें क्या शामिल होता है। इस बीमा में आप अपनी प्रॉपर्टी को होने वाले सभी नुकसान, जैसे उपकरणों, संपत्ति या फर्नीचर को होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। जो कुदरती आपदा, अचानक आग लगने या चोरी की वजह से हुई हो, उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर तीसरा होता है व्हीकल पॉलिसी। भारत सरकार के नियमों और गाइडलाइन के अनुसार आपको अपने व्यापार में काम आने वाले वाहनों का व्हीकल पॉलिसी का बीमा कराना चाहिए। यानी आप या आपका कोई कर्मचारी वाहन का इस्तेमाल करता है तो उनके साथ साथ आपके वाहन का बीमा भी होना अनिवार्य है, जिससे किसी दुर्घटना या एक्सीडेंट के बाद आपको हर्जाना आसानी से मिल सके। अब इसमें क्या शामिल होता है। तो इस पॉलिसी में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वाहन के साथ साथ वाहन चालक और एक तीसरे इंसान के लिए भी हर्जाना मिलता है जो वाहन में दुर्घटना के समय मौजूद हो। इसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी बोलते हैं। जो वाहन में दुर्घटना के समय मौजूद हो या उसे कोई चोट लगी हो, इसमें आग, एक्सीडेंट, चोरी जैसे सभी हालात शामिल हैं। चौथा होता है एम्प्लॉय पॉलिसी। आपके साथ काम कर रहे कार्यकर्ताओं को कोई नुकसान या क्षति पहुँचती है या किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये आपके बिजनेस के लिए काफ़ी खराब होगा। इसमें बात सिर्फ अपने कर्मचारी या उसके परिवार को हर्जाना देने की नहीं है। अगर आपके पास काम कर रहे कर्मचारी के घर वाले चाहें तो आपके खिलाफ कानूनी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसी वजह से विदेशों के साथ साथ अब भारत में भी एम्प्लॉय बीमा करना ज़रूरी हो गया है। इसमें बीमा कंपनियां किसी व्यवसायी या दुकान में काम करने वाले कार्यकर्ता की मृत्यु या बीमारी के खर्च को सुरक्षित रखती है। इसमें वे सभी कानूनी खर्च आते हैं जो कार्यकर्ताओं के परिजनों या परिवार के लोगों की तरफ से मुकदमा दायर करने से उठाने पड़ते हैं। फिर अगला है लीगल लायबिलिटी बीमा। किसी भी काम या बिजनेस में विक्रेता या फिर किसी ग्राहक के साथ नोकझोंक या कोई विवाद होना आम बात है, और कभी कभी ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आपको कोर्ट की मदद लेनी पड़ जाती है। इस बीमा की वजह से आपके कोर्ट में होने वाले सभी खर्चों का ख्याल रखा जाता है, और अगर आपका ये बीमा नहीं हुआ है तो आपको सारे खर्च खुद ही उठाने पड़ सकते हैं। अब इसमें क्या शामिल होते हैं। तो इसमें वो सब खर्च आते हैं जो कानूनी कार्रवाई के कारण आपको या आपके बिजनेस को उठाने पड़ते हैं। फिर अगला बीमा होता है प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। अगर आपका बिजनेस किसी चीज़ का उत्पादन करता है तो आपको भी इस बीमा को कराना चाहिए। हो सकता है कि आपके उत्पादों से आपके ग्राहकों को कोई नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे में इन हालातों से बचने के लिए आपके पास इस बीमा का होना बहुत ज़रूरी है, और भविष्य में ये आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। अब इसमें क्या शामिल होता है। तो इसमें वैसे तो सभी वो खर्च शामिल होते हैं जो आपके प्रोडक्ट या उत्पाद के इस्तेमाल के कारण आपके ग्राहक या किसी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए आपके पास इस बीमा का होना ज़रूरी है। अगला होता है बिजनेस इंटरप्शन पॉलिसी। ये बीमा उन बिजनेस करने वालों के लिए सबसे अच्छा होता है जिनका स्थायी होना ज़रूरी है, जैसे कि किसी किराना स्टोर या कोई छोटी मोटी दुकान। कई बार कुदरती आपदाओं के कारण
या फिर आपके इलाके में दंगे के कारण आपके कार्यकर्ता दुकान पर नहीं आ पाते, इससे आपके बिजनेस में हस्तक्षेप होता है और आपके दिन भर की आय को नुकसान पहुंचाता है। ये बीमा आपको ऐसे आर्थिक घाटों से बचाने में सबसे मदद करता है। अब इसमें क्या शामिल है, जैसे कि इसमें प्राकृतिक आपदाएं होती है, आग लगना या किसी वजह से आपके बिजनेस में हस्तक्षेप होने के कारण जो भी नुकसान होते हैं उनकी भरपाई आप इस पॉलिसी से कर सकते हैं। फिर अगला होता है एरर्स एंड ओमिशन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप अपने पास आए ग्राहकों को सही तरह की सर्विस देने में असफल होते हैं तो आपको उन लोगों की तरफ से घृणा का सामना करना पड़ सकता है, जो आपको आपके सामान का भुगतान करने से भी मना कर सकता है। इससे आपके बिजनेस को काफ़ी नुकसान होता है। अब इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इस पॉलिसी में वो सभी नुकसान शामिल होते हैं जो आपको आपकी लापरवाही के कारण झेलने पड़ सकते हैं। फिर अगला होता है कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस। अलग अलग तरह के बिजनेस के लिए अलग अलग तरह के बीमा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में बीमा कंपनियाँ उनके लिए उनकी सहूलियत के हिसाब से बीमा तैयार करती है। इसमें क्या शामिल होता है, जैसे कि रेस्टोरेंट वाला बीमा ले सकते हैं, पेट्रोल पंप वाला इंश्योरेंस या वेयर हाउस वाले उसके मतलब का बीमा ले सकते हैं। इससे आपके बिजनेस को आपके हिसाब से भविष्य में फ़ायदा होगा। अब इन सब चीज़ों के साथ में ये कुछ बातें हैं जिन पे ध्यान दें। सभी बीमा पॉलिसी में प्रीमियम और डिडक्टिबल देना पड़ता है। प्रीमियम उसे कहते हैं जो आपको बीमा कंपनी की तरफ से होने वाले आर्थिक फायदों के बदले देना पड़ता है, और डिडक्टिबल उसे कहा जाता है जो आपको क्लेम के समय देना पड़ता है। आसान शब्दों में बताएं तो जितना कम आपका डिडक्टिबल होगा उतना ही अधिक आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप पूरी तरह से सोच समझ कर तय करें कि कौन सा बीमा लेना है और किससे आपको या आपके बिजनेस को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ये आपके इलाके और आपके बिजनेस के आधार पर ले सकते हैं। मसलन आपके बिजनेस में आपको कितना जोखिम उठाना पड़ सकता है, आपको कितना आर्थिक खामियाजा उठाना पड़ सकता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।